नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से संवाददाता अयोध्या कुमार की रिपोर्ट। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड द्वारा ग्राहकों को लगातार ठगी करने का मामला प्रकाश में आ रहा है। ग्राहकों का कहना है कि सहारा में मैच्योरिटी डेट पूरा होने के बाद भी FD व MIS का पैसा भुगतान नहीं किया जा रहा है। मैनेजर एजेंट सत्येंद्र यादव द्वारा टालमटोल किया जाता है कि एजेंट द्वारा फील्ड से पैसा कलेक्शन कर लाता है, तब जाकर आप लोगों को दिया जाएगा, अन्यथा मुश्किल है। ब्रांच में बहुत बार मैनेजरों से नोकझोंक भी हुई है व यहां मारपीट की संभावना बनी रहती है। ग्राहकों ने सरकार से मांग की है कि हम लोगों का पैसा का भुगतान करते हुए यह ब्रांच को बंद कराया जाए। ग्राहक जयप्रकाश गुप्ता, फिरोज अंसारी, रामनाथ साह, संजय पासवान, धर्मेंद्र मेहता, राजेश गुप्ता के अलावा आदि लोग भी शामिल थे। क्या समस्या हो रही है आप लोगों का सहारा में? सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, हमारा 50,000 का FD था, जो 6 साल बाद 1,00,000 मिल रहा था, पर ब्रांच मैनेजर द्वारा मैच्योरिटी पूरा होने के बाद भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि दिसंबर में मिलेगा, मार्च में मिलेगा, ऐसे करके टाइम मतलब बोला जा रहा है, टाल मटल किया जा रहा है भुगतान को लेकर। पहले आप लोग का कैसे मिलता था? पहले मिल जाता था फिक्स डिपॉजिट पूरा, मैच्योरिटी पूरा उसी दिन पैसा मिलता था। अच्छा, मंथली मिलता था कि वर्ष? मतलब 6 वर्ष के बाद फिक्स डिपॉजिट का मतलब 6 साल बाद पैसा मिलता है फिक्स डिपॉजिट का। और MIS का मंथली मिलता है, ना MIS का पैसा मिल रहा है न फिक्स डिपॉजिट का मिल रहा है। अच्छा, बोला जाता है कि अगर आपका एजेंट मार्केट से कलेक्शन करके लाएगा पैसा ना, तो ही आपका पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या समस्या है आपका? हमारा यही समस्या है कि मेरा फिक्स पैसा था और वो पैसा मेरा पूरा गया मई में, और पैसा मांगने पर वो लोग बोल रहे हैं कि पैसा ऊपर से फंड में पैसा आएगा तो देगा, नहीं तो अभी नहीं, मुश्किल है। अच्छा, अभी नहीं मिलेगा। कितने दिन का फिक्स है आपका? मेरा भी वो 6 साल के लमसम में था। 6 साल का? कब कब आपको पैसा मिलता था? जैसे मेरा फिक्स पैसा है, जब टाइम उसका पूर जाएगा उसके बाद तुरंत मिलता था, लेकिन अभी मेरा मई में पूर गया है 2021 में, अभी 22 हो गया, पैसा दे मांग रहे हैं तो यही बोल रहा है कि पैसा फंड में है नहीं अभी। अच्छा, क्या बोला जा रहा है आपको? कि पैसा जब आएगा तो देंगे। अच्छा, अभी पैसा नहीं आया है? नहीं, बोल रहे हैं कि पैसा के अभी कोई क्लियर है ये नहीं है कि कब देगा नहीं देगा, उसका भरोसा नहीं है कब देगा। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना यही चाहेंगे कि हमारा हम लोग को जो पैसा वो मिलना चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है फिरोज अंसारी। घर? बेल पहाड़ी। आपका क्या नाम है जी? जयप्रकाश। क्या तब कहना चाह रहे थे? हम ही कहना चाह रहे हैं कि अगर यह कंपनी मान लीजिए भुगतान नहीं कर रहा है, चिट फंड कंपनी भुगतान नहीं कर रहा है 1 सालों से, मेरा 1 साल हो गया, मैच्योरिटी पूरा हुए, भुगतान नहीं कर रहा है, तो इस ब्रांच को सरकार बंद करेगा, प्रशासन बंद कराए। अच्छा, चल नहीं मत, कलेक्शन अभी मार्केट से करके ला रहा है, अब बोल रहा है कि पैसा मिलेगा मिलेगा। मैनेजर का क्या नाम है? सत्येंद्र यादव नाम है, सत्येंद्र जो प्रभार में, और बहुत से लोगों का यही समस्या है, रोज मारपीट जैसा स्थिति बन जाता है, पब्लिक खटा रहता है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ है? लड़ाई झगड़ा भी होता है। अच्छा, कब हुआ लड़ाई झगड़ा? कुछ दिनों पहले हुआ, अश्विनी दुबे के जाने के बाद जब प्रभार में आया तो उसी समय लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा, इसी बात को लेकर के? इसी बात को लेकर, पैसा मांगते हैं तो लड़ाई करते हैं लोग? लड़ाई करने लगे, बदतमीजी से बात करते, अभी तो बोल ही रहे हैं। अच्छा, जो करना है मुख्यमंत्री को बताना है, प्रधानमंत्री को बताना है, बताओ जिसको बताना है जाओ बता दो। अच्छा, कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं। चलिए, पैसा ऊपर फंड में आएगा तो देगा ना हम लोग। चलिए ठीक। मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद यादव, पिताजी के नाम स्वर्गीय रामकृष्ण प्रसाद यादव। अच्छा, इस सहारा में किस पद पर आप कार्यरत हैं? वर्तमान निवास मेरा बुका है जी, सोनापुर थाना के अंतर्गत ब्लॉक के पास मेरा घर है। सहारा में हम भी एक कैडर ही हैं जो प्रमोटर से लेकर के रॉयल वन तक पोस्ट है इसमें, इसमें अभी मैं CFM हूँ, भूतपूर्व यहाँ के फ्रेंचाइजी मैनेजर को यहाँ से जाने के बाद 1 दिसंबर 2021 से मैं प्रभार में सबके सर्वसम्मति से मैंने जो यहाँ जमा करता भी हैं और कर्ज करता भी हैं, सब लोगों के आपसी सहमति से इस ब्रांच को यहाँ रखने के लिए इस पद को कार्यवाह के रूप में मैं इस पोस्ट पर अभी हूँ। अच्छा, लोग आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे पैसा फिक्स किए हुए थे, जो कि मिलता था हम लोग के मंथली, वो पैसा मिल नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसमें आप? अभी वर्तमान परिस्थिति में मामला जो है चल रहा है ऊपर में,
सुप्रीम कोर्ट सहारा सबके बीच में चल रहा है, जैसे क्लियर होगा फंड आएगा भुगतान शुरू हो जाएगा। ग्राहकों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? ग्राहक को इसे यही आश्वासन देना चाह रहे हैं कि जब फंड आना शुरू हो जाएगा उनके जो कराए हैं उनके माध्यम से उनको सूचना दे दिया जाएगा कि भाई पैसा आ रहा है फंड, आप बुलाइए अपना ग्राहक को भुगतान कराइए। फंड आने के बाद ही इस पर जो है कोई अस्थायी निराकरण होगा। अब इसके लिए बहुत प्रयास हो रहा है, मैंने नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है सारे लोग प्रयासरत हैं कि मामला को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए। अब हो भी रहा है, डेट आ रहा है, जैसे ही आएगा क्लियर होगा। अच्छा, सहारा जब ऊपर से पैसा नहीं दे रही है तो फिर भी इसमें काम हो रहा है या बंद हो चुका है? नहीं, काम तो तने में हो ही रहा है, जो लोग सक्रिय हैं जो कर रहे हैं हो रहा है ना काम। अच्छा, काम जारी है और पैसा मिल नहीं रहा है ना? काम जारी है, ऑफिस खुला है तो काम तो होते रहेगा। पैसा मिल भी रहा है, ऐसा थोड़ा है कि पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऊपर से कोई सूचना नहीं है कब तक फाइनल कर सकते? सूचना नहीं है। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का दो हॉल, 4 एसी डिलक्स रूम, 5 डिलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन, बुकिंग के लिए संपर्क करें उत्सव गार्डन कचहरी रोड बिजली ऑफिस के सामने गढ़वा।